पेट्रोल पंप लूट का खुलासा, 3 लुटेरे गिरफ्तार, लूट की रकम 1,49,000 बरामद। बरेली 10 जुलाई को नवाबगंज के देवल किसान सेवा केंद्र पर 2,95,000 की लूट की गई। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम लुटेरों को तलाश में जुट गई। पुलिस को सूचना मिली कि पेट्रोल पंप लूट के अभियुक्त भोजीपुरा थाना क्षेत्र में किसी दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस टीम ने लूट का मास्टरमाइंड जीशान को पकड़ा। उसने की जाविर और शाहिद के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया। जीशान नवाबगंज के रहने वाला था। उसका देवल पेट्रोल पंप पर आना जाना था। उसको बड़ी रकम का अंदेशा था। शाहिद और जाविर भोजीपुरा के रहने वाले, उनके पास से 2 तमंचा लुटी हुई रकम में से 1,95,000 बरामद हुई है। पुलिस टीम में फतेहगढ़ सिंह अम्बास, हैदर गिरीश जोशी उपस्थित हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र में बरौर में एक पेट्रोल पंप था, जिसपे 10-7 को एक लूट को अंजाम दिया था बदमाशों ने, और पेट्रोल पंप मालिक से 2,95,000 की लूट की थी। साथ में उनका मोबाइल भी छीन लिया था, जिसपे क्राइम ब्रांच काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने कल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक जीशान वहीं बरौर का रहने वाला है, जिसने इस पूरी घटना को की मुखबिरी की थी और पूरा प्लान बनाया था कि इस तरह से यह घटना हो सकती है। बाकी के 2 अपराधी जो पकड़े गए हैं, उस पर एक जाबिर और एक साहिद है, दोनों भोजीपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 1,49,000 लूटा हुआ धन बरामद हुआ है। साथ में घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ में जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उनका लूटा हुआ मोबाइल भी रिकवर हुआ है। 2 तमंचे और कारतूस रिकवर किए हैं टीम ने। ये घटना जो बरौर का रहने वाला काशिम है, ये बेसिकली उसी की प्लानिंग थी। वो चूँकि वहीं रहता था और पेट्रोल पंप पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, काशिम के पास एक गाड़ी है जो डल्लब गाड़ी है, जिससे वो वहाँ मिट्टी और रेता डालने का काम कर रहा था। उसने देखा था मालिक को डेली जाते हुए, 7-7:30 बजे के आसपास वो कैश लेकर जाते थे। उसने ये सूचना जाबिर को दी थी। जाबिर घंघौरी भोजीपुरा का रहने वाला है। जाबिर ने ये इसको डिस्कस किया अपने साथियों में, एक मुल्ला है साहिद मुल्ला, जो भोजीपुरा क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके डिस्कस करने के बाद फिर इन लोगों ने वहाँ जाके पेट्रोल पंप पे ही बैठकर पूरा वो देखा, इसी के साथ काशिम के साथ फिर ये प्लानिंग की। और इसमें 2 और लड़कों को, एक तस्लीम और एक सलीम, इनको इन लोगों ने जोड़ा। तो इस घटना को कुल 5 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें से एक जो कासिम है वो इसकी प्लानिंग में है, जिसने ये वो किया था, मुखबिरी की थी। बाकी 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, 2 मोटरसाइकिलों से, जिसमें से एक मोटरसाइकिल और 2 लूट करने वाले मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, जो बरौर का लड़का है, जो काशिम है, इसी ने पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि ये वहाँ मिट्टी डालने का काम कर रहा था और इसने पूरा देखा था वहाँ किस तरह से मालिक उसके कैश ले जाते हैं, किस तरह से वो गिनते थे, कितना लगभग कैश मिलता था, इसको काफ़ी अनुमान था। जो 1 महीने के लगभग वहाँ पेट्रोल पंप पे काम हुआ था कंस्ट्रक्शन वर्क, तो लगातार ये मिट्टी डालता रहा। इसी पूरे उसको घटनाक्रम को उसने शेयर किया अपने साथियों से। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि ये जाबिर और काशिम, ये दोनों पहले चित्रकूट में साड़ियाँ बेचने का काम करते थे। इनकी दोनों की मुलाकात वहीं की थी। उसके बाद साड़ियाँ बेचने का काम इनका कुछ मंदा हुआ, वहाँ से वो काम छोड़कर वो वापस अपने अपने गांव आए। और जब कासिम के को ये पूरा पता चला कि ये काम अच्छा हो सकता है, तो इसने जाबिर से शेयर किया और फिर एक अपने पूरे गैंग को इकट्ठा किया। ये इनमें से केवल एक जो साहिद और मुल्ला है, वो एक बार 2010 के आसपास, अभी उसका आपराधिक इतिहास हम तलाश रहे हैं, कि वो लड़िया से चोरी के मुकदमे में जेल गया है, ये उसकी के द्वारा बताया गया और गैंगस्टर भी इसके ऊपर लागू लगा था। बाकी के किसी अपराधी का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक संज्ञान में नहीं है। पहली बार ही ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहली बार उनके द्वारा अपराध कारित किया गया। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।